हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्किन बाइटिंग या इंस्टेंट स्किन बाइटिंग फेस मास्क शेयर करूंगी। ये फेस मास्क स्क्रब फेस मास्क भी होने वाला है, यानी ये 2-in-1 का आपको फायदा देने वाला है। और ये फेस मास्क एक फ्रूट फेस मास्क है, तो जो इसमें मैंने फ्रूट डाला है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि उसकी हर एक चीज़ आपके लिए बहुत फायदा करती है, चाहे उसका छिलका हो चाहे सीड है, वह मतलब हर तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस फ्रूट की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अपना देखते हैं फेस मास्क का बनाना कैसे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको लेना है एक अनार। जी हाँ, मैं बात कर रही थी अनार, जिसे हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश में पोमेग्रेंट बोलते हैं। ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जी हाँ, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जैसे मैंने बताया। तो अनार में पोटेशियम, बहुत सारे हेल्थी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, फाइबर है, विटामिन के, सी, मतलब इस तरीके के कुछ हेल्थी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे स्किन, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इसका जूस लेना है। जी हाँ, तो मैंने जूस ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको इस तरीके से जूस लेना है। और आपको दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करनी है, तो हम सबसे पहले एक बोल लेंगे अलग से, जितना हमें इसमें लेना है हम उतनी क्वांटिटी लेंगे। उसके बाद जो हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है राइस फ्लावर। जी हाँ, इसको मैंने घर पे बना के रखा है और इससे पहले भी मैंने इतनी वीडियोज़ में यूज़ किया, कैसे बनाना है मैंने इसे बना बता रखा है आपको। तो इस तरीके से हम इसमें राइस फ्लावर ऐड करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो राइस फ्लावर आपको लेना है 1 चम्मच के करीब। आप देख सकते हैं मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ, इससे मैं थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ। तो अराउंड 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें राइस फ्लावर लिया है, आपको भी लेना है। उसके बाद इसमें हम इसमें हनी ऐड करेंगे। जी हाँ, हनी हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हनी जो ऐड किया है वो 1/2 चम्मच के करीब यूज़ किया है और अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। जी हाँ, अगर आपकी स्किन, जैसे मैंने बताया है, हमेशा आपकी स्किन जैसे ड्राई या सेंसिटिव है या ऑयली, तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें ऐड किया करें। तो अगर आपकी स्किन ड्राई तो 1 चम्मच के करीब भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो बेस है, या बोलूँ अब हम इसमें अपना पोमेग्रेनेट जूस इसमें ऐड करेंगे। हमें पेस्ट इसमें ही बनाना है, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा गाढ़ा सा मिक्सचर बन करके तैयार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इस मैंने इसमें राइस फ्लावर का यूज़ किया है। और राइस फ्लावर के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, स्किन बेनिफिट होते हैं, आप जानते हैं। हमारी जो कोरियन वेमेन होती हैं अपने स्किन केयर रिजीम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो यह स्किन को लाइट बनाता है, ब्राइट बनाता है। एक्ने वालों के लिए राइस बहुत अच्छा काम करता है, तो ये फेस मास्क स्किन को लाइट बना देगा सबसे पहली बात, क्योंकि स्किन टैनिंग अगर है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। एंटी एजिंग फेस मास्क है और पोमेग्रेनेट की वजह से मैंने बात की है। इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है, अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। और ये आपका, जैसे बोलूँगी, ये आपके फेस को, तो स्किन को लाइट बनाएगा, साथ में आपके फेस की स्क्रबिंग भी करेगा क्योंकि ये राइस फ्लावर है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, अब हम इसमें फेस पे अप्लाई करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, फेस मास्क अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने हाथों पे बता रही हूँ आपको, ऐसे फेस पे अप्लाई करना है। तो सिंपल, आपको बहुत गाढ़ा मिक्सचर नहीं बनाना। जी दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ी सी नॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो सॉरी। बात कर रही थी मैं फेस मास्क की, तो आपको इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं फेस मास्क मैंने जो लगाया है वो मैंने कम्प्लीटली इस फेस मास्क को लगा लिया है। अब आपको फेस मास्क को लगा के कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है ताकि ये पूरा काम कर सके अपना। तो इस तरीके से लगा करके छोड़ दे, जब ये ड्राई हो जाएगा तब हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए, जैसे आप सारे स्क्रब यूज़ करते हो उपटन वगैरह, उस तरीके से इसकी हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए इसे रिमूव करना है, तो इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, मैंने जो अपना मास्क लगाया है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं हमेशा जो फेस मास्क लगाती हूँ, मैंने बताया, कम्प्लीटली ड्राई नहीं करती, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया, अब मैं इसकी स्क्रबिंग करूँगी और आपको बता रही हूँ आपको किस तरीके से इसकी स्क्रबिंग करनी। तो इस तरीके से जेंटली आपको स्क्रबिंग करनी है ताकि डेड सेल रिमूव हो जाए आपकी। इस तरीके से स्क्रबिंग करनी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से स्क्रबिंग करने के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी।
तो जी हाँ दोस्तों, फेस मास्क मैंने जो लगाया, या बोलूँ स्क्रब फेस मास्क जो लगाया था, उसे मैंने अपना वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे हाथों का रंग साफ लग रहा है फिलहाल अभी, क्योंकि एक इंस्टेंट फेस मास्क जैसे मैंने बताया वो फेस मास्क है। और दोस्तों प्लीज़ आज के वीडियो में जो वॉइस आ रही है उसको अवॉइड करिएगा। तो इस फेस मास्क को लगाने के बाद मेरे जो हाथ सबसे पहले बात तो सॉफ्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने इसमें हनी ऐड किया था, हनी एंटीबैक्टीरियल होता है, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरी स्किन ऑयली है और इसे लगाने के बाद मुझे एक्ने एंड पिंपल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। हनी बहुत अच्छा काम करता है एंटीबैक्टीरियल, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैंने इस पर कोई बॉडी लोशन नहीं लगाया है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। उसको लगाने के बाद मेरे हाथ का जो रंग है वो काफ़ी साफ लग रहा है, जी हाँ। और आप देख सकते हैं इसके बाद आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फेस मास्क है और आप खुद यूज़ कर सकती हैं, आंटीज आपकी मम्मी भी यूज़ कर सकती हैं, स्पेशली टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये स्क्रब बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई करके देखिए। हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप इस फेस मास्क को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और ये मेरा आपके लिए एक फूड फेस मास्क था। तो दोस्तों इस फेस मास्क को लगाकर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये फेस मास्क कैसा लगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।